हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड ये व्लॉग्स इंजॉय कर रहे होंगे। कल हम लोग रुके थे चोकड़ी पे, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है। चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली मिलेगी यहाँ पे। एंड कल जो मैंने आपको डॉग दिखाए थे, जिसमें से एक था टपकी, जो मुझे बहुत क्यूट लगा था, उसकी एज कितनी होगी? आप लोगों को कितना लगता है कि उसकी एज कितनी होगी? हमें तो लग रहा था कि वो 5-6 साल का होगा, बट वो 16 साल का है। और गाइस, 16 साल में भी वो इतना एक्टिव है। वैसे तो डॉग्स की लाइफ इतनी होती नहीं है, बट इस एज पे भी वो बहुत एक्टिव है। एंड अभी वो सुबह से आज यही काम कर रहा है, मतलब नॉर्मली वो यही करता होगा, बंदरों को भगा रहा है। पीछे आप उसकी आवाज़ सुन रहे होंगे, अभी कई बंदरों को भगाने ही वो गया है। एंड हम लोग अभी रेडी हो गए हैं आगे जाने के लिए और मंदिरों में जाने के लिए। आज हम लोग जाएंगे हाट काली का पाताल भुवनेश्वर, जिसमें पाताल भुवनेश्वर बहुत अच्छी जगह है। आपने नाम भी सुना होगा, पीछे उसकी आवाज़ आ रही है, तो आपने नाम भी सुना होगा, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, ऊपर कैमरा जमा हो जाता है। हम आज से, जब लास्ट 9 साल पहले आए थे तब गए थे, आज देखते हैं कितना उसमें चेंज हुआ है। तो बस अभी सब लोग रेडी हो गए, तो चलते हैं आगे। जाने से पहले मैं आपको एक बार और टपकी से मिला देती हूँ। ये एक बार चोरी भी हो चुका है, इसको ले गए थे लोग, 1 महीने में ये वापस आ गया। टपकी टपकी, हाय तो बोल दो। नहीं बोलोगी, गुस्सा हो? अभी तो बिस्किट दिए थे आपको। टपकी टपकी नहीं बोल रहा भैया, गुस्सा ही है। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो अभी हम लोग आए हैं हाट काली का मंदिर, जो कि गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। यहाँ पे काली माता का मंदिर है, तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और आप लोग भी दर्शन कीजिए वीडियो के थ्रू। यहाँ पे आपको जितने भी मंदिर दिखेंगे उनमें घंटियाँ मिलेंगी। घंटियाँ यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग कुछ मन्नत मांगते हैं, जब वो पूरी हो जाती है तो वो लोग घंटी चढ़ाते हैं अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से, कोई बड़ी कोई छोटी। जब उन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो लोग घंटियां यहाँ पे चढ़ाते हैं। अब मंदिर के अंदर हमने एंट्री कर ली है। एंड गाइस, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपका यहाँ पर आना हो तो आप भी इस चीज़ को देखना। इस मंदिर में जितने भी टेंपल्स आप ये बने हुए देख रहे हैं, कि ज़्यादातर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने बनवाए हैं, क्योंकि काली माता को हमारे सनातन धर्म में असुरों का विनाशक कहा गया है और यही काम हमारी इंडियन आर्मी भी करती है, इसलिए इस मंदिर की आर्मी में इतनी मान्यता है। अब हम हाट काली का माता के दर्शन कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। आह्वानाय विनायकाय नमस्ते, उमामनं समर्थं इमामया कीर्तन पूजा गणतन रत्न समयुक्त मुक्ताहार विवेश्वरां स्वर्णिशियां।
काक्षायं विदाई पुण्डरीकाक्षाय नमः विष्णुमे नमः विष्णुमे नमः अपवित्रो उपवित्रो यहाँ पर ये बंदर प्रसाद खाने के लिए आते हैं, वैसे ये किसी को परेशान नहीं करते हैं। हाट कालिका मंदिर से हम आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत अच्छी जगह है वो। अंदर वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, बाहर ही फ़ोन जमा हो जाता है, कैमरा बाहर जमा हो जाता है। तो चलिए वहाँ चलते हैं, बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ। पाताल भुवनेश्वर तक पहुँचने के लिए इस गेट से एंट्री होती है। ये मंदिर की डिटेल्स यहाँ पे बताई गई हैं। हाँ लगता है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। बहुत खूब। पाताल भुवनेश्वर तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ता है और ये वही रास्ता है जो बहुत खूबसूरत है। और अब हम फाइनली मंदिर के एंट्री गेट पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर मंदिर में जाने वालों के लिए कुछ जरूरी जानकारी दी गई है। कैमरा तुम्हारा जमा कर दूंगा यार। गाइस नीचे तो फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको पाताल भुवनेश्वर की एंट्री कहाँ से होती है वो दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल पाताल की ही तरह है। इसमें अंदर हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए इतना कुछ है कि आपको कम से कम एक बार तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए।